नमस्कार, मैं आरिफ सिद्दीकी मौजूद हूं आपके सामने। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24। आज झांसी के विधायक रवि शर्मा ने वृक्षारोपण किया व साथ ही लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए जागरूक किया। हम सभी जानते हैं कि वृक्षारोपण हमारे लिए कितना जरूरी है। ये वृक्ष हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फलदार या छायादार, वो किसी भी तरीके के हों, हर पेड़ हमें कुछ ना कुछ जरूर देता है। इसी के साथ साथ विधायक जी ने बताया कि पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है। वृक्षारोपण करते हुए सदर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि प्रत्येक बारिश में वह पौधे लगाएंगे जिससे वातावरण शुद्ध हो सके। वे हर वर्ष 1000 पौधे लगाते हैं। इस बार उन्होंने 1500 से भी अधिक पौधे लगवाए हैं जिससे आसपास हरियाली का वातावरण हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन और हरियाली के लिए आम लोगों को जागरूक होना चाहिए। जल जीवन हरियाली को बढ़ाने के लिए अपने आसपास हो रहे जल की बर्बादी को रोकें और जल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करें। बेवजह पौधों को काटने या नष्ट करना गलत बात है। उन्होंने कहा, जल और वृक्ष प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार हैं। पेड़ पौधों के कारण ही हम लोगों को शुद्ध हवा मिलती है और हम लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 की आपसे भी यही अपील है कि आप भी पेड़ लगाएं, वातावरण को शुद्ध बनाने में सभी की मदद करें। इसी स्थान पर ये एक जगह है जहाँ पर 15-16 एकड़ जगह है, उसमें हम लोग आकर के इसकी फेंसिंग है जहाँ पर वृक्षों का ध्यान दिया जाता है और प्रत्येक पेड़ जीवित रहे उसकी चिंता की जाती है। तो हर वर्ष 1000 पेड़ लगाते लगाते हम लोग 3500 के आसपास यहाँ पर पेड़ हैं जो अभी जीवित थे। इस बार हमने 1500 पेड़ महोगनी के और बाकी 50 पेड़ पीपल, पाखर, बरगद इसके, और अभी माननीय सांसद जी ने 50 पेड़ आंवले के भिजवाए हैं, वो भी कल यहाँ पर स्थापित कर दिए जाएंगे। क्या उद्देश्य वृक्षारोपण का भैया? सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने को पर्यावरण बचाना है, और पर्यावरण बचाने के लिए जब तक हम वृक्ष नहीं लगाएंगे और इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो फिर अपन बचेंगे कैसे? सबसे ज़रूरी कार्य होता है ये वृक्षारोपण का। अपन को जितनी ज़्यादा अपन कर सकें, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अभी DFO को बुला के उस दिन बात करी झांसी में, तो 65 लाख झांसी जनपद में वृक्ष लगने वाले हैं और हम इनका मुआयना भी करा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अब उनको बता गया, एक भुवन ऐप आता है अपने वहाँ, उस पर वो चढ़ा के दिखाएंगे और फिर उसके बाद हर तीसरे महीने हमने एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म भी लगा दिया।